फ्रेंड्स, गर्मी आ गई है और उसके साथ ही हमारे घर में आए हैं बहुत सारे सुंदर आम। हर साल की तरह हमारे घर के गार्डन में बहुत कच्चे आम निकले हैं और इन आमों का लॉकडाउन में हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम कहीं रिश्तेदार के पास भेज भी नहीं सकते, तो कच्चे आम के रेसिपीज बनाना तो बिल्कुल बनता है। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक। हम बना रहे हैं आम का पन्ना और ये स्क्वैश बना के आप करीबन 2 महीने तक इसे अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं और इसमें हमने सब हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो आइए बनाते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ें चाहिए। हमने लिए हैं 4 बड़े कच्चे आम, उसके साथ लिया हमने 1 टीस्पून जीरा पाउडर और लिया है 1 टीस्पून काला नमक, हमने लिए हैं और 4 छोटी इलायची और इसके साथ हमने लिया है 1.5 कप गुड़। आप गुड़ के बजाय वैसे शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गुड़ को हमने नाइफ के साथ काटा हुआ है या क्रश किया हुआ है। तो सबसे पहले हम चारों आम को छील रहे हैं छिलनी के साथ इसकी स्किन निकालने के लिए और फिर इसे धो के हम करेंगे प्रेशर कुक। उसके लिए हम डाल रहे हैं उसे प्रेशर कुकर में, जिसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। तो ये गया हमारा पानी प्रेशर कुकर में। बस इसे अब ढक्कन लगा के हम 3 विसल्स आने तक प्रेशर कुक करेंगे। तो ये हमारा आम प्रेशर कुक हो चुका है। इसे अब हम छोटे पीसेस में काट रहे हैं और ऐसा करते वक्त इसका जो अंदर का सीड है वो हम निकाल फेंक देंगे। इसे बॉईल करते वक्त हमने जो पानी का इस्तेमाल किया था उसे फेंकना नहीं है, उसे अलग से रख देना है। तो ये हमारे देखिए आम कट चुके हैं। इसे हम डालेंगे अब मिक्सी के बोल में और बनाएंगे इसका पल्प। तो ये गया हमारा बॉईल किया हुआ आम हमारे मिक्सी के बोल में, जिसे हम मैश करके इसका बनाएंगे पल्प। और पल्प बनने के बाद इसे हम कलेक्ट कर रहे हैं एक कढ़ाई में। हमारा ये पल्प करीबन 1 कप जितना बना है। तो अब डालेंगे इसमें हम हमारे सब इंग्रेडिएंट्स। पहले इसमें डालेंगे जैगरी जो 1.5 कप है। देखिए हमारा जो पल्प है वो 1 कप जितना बना था। अगर आपके आम बड़े हैं या छोटे हैं, आपका ज़्यादा या कम बनना है, तो आपको जैगरी उसके हिसाब से कम या ज़्यादा डालनी चाहिए। ये गया इसमें काला नमक 1 टीस्पून। अब डालेंगे इसमें जीरा पाउडर 1 टीस्पून और डालेंगे नमक, रेगुलर टेबल सॉल्ट है ये भी 1 टीस्पून है। और इसमें अब डालेंगे पानी, ये वो पानी है जो हमने प्रेशर कुक करते वक्त प्रेशर कुकर में डाला था, तो बस वही पानी इसमें डालना है। और ये गया इसमें इलायची। और अब इस मिक्सचर को हमने करना है मिक्स और रख देना है हीटर पे या गैस पे। अब इस मिक्सचर को हमने पकाना है और इसे बीच बीच में घुमाते रहना है। वैसे एक उबाल आने के बाद आप इसकी आंच धीमी या मीडियम कर दीजिए और उसके बाद करीबन 15 से 20 मिनट इसे पकाइए और घुमाते रहिए। और पकने के बाद ये जो मिक्सचर है ये हो जाएगा थिक, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ऐसे चमकेगा। हमारे आम पन्ना का स्क्वैश बन चुका है। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम हमारे गैस को कर रहे हैं बंद और अब इसको ठंडा होने देंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसको कुछ थोड़े से घंटे लगेंगे और उसके बाद ही हम इसको एक बॉटल में पैक करके रखेंगे। तो ये हमारा आम का पन्ना रूम टेम्परेचर जितना ठंडा हो चुका है, इसे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉटल में, जिसमें हम स्टोर करके रखेंगे इसे रेफ्रिजरेटर में। ये जो पूरा बना ही करीबन 1 लीटर का बना है। बन गया हमारा आम पन्ना, ऐसे लग रहा है ना कि अभी स्क्वैश बना के पिए। तो उसे बनाने के लिए हम सबसे पहले पुदीने को काट के डाल रहे हैं। वैसे इस स्क्वैश के साथ पुदीने की टेस्ट बड़ी अच्छी लगती है, तो हमने कुछ पत्ते लिए हुए हैं पुदीने के, जिसे हम काट रहे हैं नाइफ के साथ और उसे हम डाल देंगे उस बोल में, उस ग्लास में जिसमें हम बना रहे हैं हमारा स्क्वैश। ये गए 2 आइस क्यूब्स हमारे ग्लास में। अब जा रहे हैं पुदीने के पत्ते और इसमें अब हम डालेंगे हमारा आम पन्ना का स्क्वैश। आम पन्ना का स्क्वैश और पानी डालना है हमें 1:4, मतलब 1 भाग आएगा हमारे शरबत का, हमारे आम पन्ना के शरबत का, और 4 भाग होंगे पानी के। बस क्या है, इसे मिक्स करना है और आपका बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक इज रेडी टू बी सर्व्ड। तो लग रहा है ना अभी इसको बना के पिए, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें बताइएगा आपका आम पन्ना का शरबत कैसे बना। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।